हाथ में मेहंदी, ब्लू गॉगल और भीगे बालों में पूल साइड दिखी शाहरुख की बेटी। बेहद खूबसूरत आई नजर शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस फोटो में सुहाना हाथों में मेहंदी, ब्लू गॉगल और भीगे बालों में पूल साइड बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। सुहाना न्यूड मेकअप किया है और रेड कलर की लिपस्टिक लगा रखी है। सुहाना की ये फोटो उनके फैन क्लब ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। बता दें कि सुहाना अपनी पढ़ाई लंदन यूनिवर्सिटी में पूरी कर रही हैं। सुहाना लंदन में हाई एजुकेशन की पढ़ाई कर रही है। सुहाना को डांसिंग और स्पोर्ट्स बेहद पसंद है। वो स्कूल के कई स्पोर्ट्स इवेंट में शामिल होती रही हैं। पापा शाहरुख चाहते हैं कि वो अच्छी डांसर बनकर दुनिया भर में उनका नाम रोशन करें। सुहाना पापा शाहरुख की तरह ही एक्टिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती है। वे स्कूल में भी कई प्लेज में हिस्सा लेती आई हैं। सुहाना पापा के काफी करीब हैं। शाहरुख ने एक बार करण जौहर के शो कॉफी विद करण में बेटी के सवाल पर कहा था, यदि कोई लड़का मेरी बेटी के लिप्स पर किस करेगा तो मैं उसका होंठ उखाड़ कर फेंक दूंगा। कुछ साल पहले शाहरुख खान ने फेमस मैगजीन फेमिना को दिए इंटरव्यू में कहा था कि बेटी सुहाना को जो लड़के डेट करना चाहता है उनके लिए उन्होंने कुछ शर्तें बनाई है। शाहरुख ने ये भी कहा था कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी की लाइफ में एक अच्छा शख्स आए। अगस्त 2018 में 18 साल की सुहाना ने मैगजीन कवर पर डेब्यू किया था। वी ग्लैमर मैगजीन वोग के फ्रंट पेज पर ग्लैमरस अवतार में दिखाई दी थी। खुद शाहरुख ने मैगजीन का कवर पेज लॉन्च किया था। इस मौके की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए शाहरुख ने लिखा था, दोबारा बेटी को अपने हाथों उठा रहा हूँ। थैंक्स वोग शूट के हर मोमेंट पर किंग खान की नजर थी जबकि वे स्टूडियो में नहीं थे। सुहाना का शूट करने वाले फेमस फैशन फोटोग्राफर एरिकोस एड्रियो ने एक इंटरव्यू में बताया था, ये शूट ऐसा लग रहा था जैसे ये परिवार का मामला हो। सुहाना की मां गौरी स्टूडियो में मौजूद थी और पूरे टाइम शाहरुख के साथ वीडियो कॉल पर थी। इस तरह से शाहरुख वहां न होते हुए भी उपस्थित थे। एक खबर तेजी से मीडिया में वायरल हो रही है कि बिग बॉस 13 के रनर रहे असीम रियाज के साथ शाहरुख की बेटी सुहाना खान जल्दी ही डेब्यू में कदम रख सकती है। खबर ये भी कि दोनों को करण जौहर लॉन्च करेंगे।